यस, लाइक फ्रैक्शन को हम अपनी एक्सरसाइज 13 में इसको क्लियर करके आए थे कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर गिवन फ्रैक्शंस में सेम होंगे तो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होंगे हमारे पास, लाइक फ्रैक्शंस। तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में 1/2 प्लस 1/3 है, 2 और 3 का जो डिनोमिनेटर वाली डिजिट होगी उनका हम एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लें तो मेरे पास क्या आ गया, 6। अब 1/2 को इसका डिनोमिनेटर मुझे 6 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से। 3 2 6 होता है तो 3 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी। मेरे पास क्या फ्रैक्शन बन जाएगा, 3/6। नेक्स्ट फ्रैक्शन है मेरे पास 1/3। अब इसमें डिनोमिनेटर को 6 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 2/6। अब मेरे पास जो दोनों फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो गए हैं क्योंकि मेरे पास अब डिनोमिनेटर सेम है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं तो 3 + 2/6 इज इक्वल्स टू 5/6। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2/3 + 3/4। इसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 और 4 का एलसीएम लें तो मेरे पास क्या आएगा, 12 आया। फिर 2/3 में अब डिनोमिनेटर को हमने 12 बनाना है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास आया 8/12। और नेक्स्ट 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आ जाएगा, 9/12। अब मेरे पास ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 8 + 9 आंसर क्या आ जाएगा, 17/12 इज इक्वल्स टू। ये मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो सेम इसी तरह से ही हैं। मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 26 बता रही हूँ, बाकी जो 25 तक क्वेश्चंस हैं वो सभी सेम इसी पैटर्न से होंगे। आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है और उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके और ऐड कर देना है। ओके, अब नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। यस, 26 क्वेश्चन में क्या है, 1/4 + 1/8 + 1/16। अभी तक हम 2 फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे थे और अब हम 3 फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। इसको भी सेम उसी मेथड से ही करना है। इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स वाले डिजिट्स का। 4, 8 और 16 का मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पर मेरे पास आंसर क्या आएगा, 16 आया। अब हम डिनोमिनेटर्स को 16 बनाएंगे। फ्रैक्शन में 1/4 मेरे पास फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर को 16 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 4/16। नेक्स्ट 1/8 है सेकंड फ्रैक्शन मेरे पास तो डिनोमिनेटर को 16 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2/16। और ये हमारे पास 16 में था। अब इन तीनों फ्रैक्शंस को हमने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। अब लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अब हमारे पास सेम आ गया तो अब न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो 4 + 2 + 1/16 इज इक्वल्स टू 7/16। ओके, यही हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो सेम इसी पैटर्न से ही होंगे, 30 तक जो क्वेश्चंस हैं। और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हुई और इसे आप अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करो। ओके, एंड थैंक यू।